श्री बागरी जी, जिस तरीके की चर्चा चल रही है और जैसे ही आज पदभार संभाला नए अध्यक्ष ने कांग्रेस के, गोडसे और गांधी का जिक्र एक बार फिर से हो गया। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या आगे भी इसी तरीके की रणनीति रहेगी और जो एस्केप गोट, बलि का बकरा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या मायने निकालें? प्राची जी नमस्कार। ये जो कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट का पद है उसकी तो महत्व अशोक गहलोत जी ने अच्छे से बता दी। उन्होंने ये बता दिया कि हमारे, मेरे लिए मुख्यमंत्री का पद ज्यादा इम्पोर्टेंट है और नेशनल जो प्रेसिडेंट का पद है उसको उन्होंने एक रकम से ठुकर मार के उन्होंने हटा दिया। और खड़गे जी जो एकदम सेमी रिटायरमेंट में चले गए थे, उनका कोई यो एक रकम से कर्नाटक पॉलिटिक्स में भी कुछ खास नहीं थे, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं थे, उनको एक रकम से रिटायरमेंट से ला कर उनको एक पद में डाल दिया गया। सबने, सबको पता था जिस दिन खड़गे जी आए थे उनको, सबको, पूरी दुनिया को पता था कि वही जीतेंगे क्योंकि गांधी फैमिली का पूरा आशीर्वाद उनके साथ था। यही खड़गे जी से जब 2019 के इलेक्शन, जो कि 3 साल पहले की बात ही है, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें एक उमेश यादव जी के नाम का एक बीजेपी का प्रत्याशी था, उनसे वो 1 लाख वोट से आ रहे थे। तो जब रियल इलेक्शन होता है तो सबको पता है कि क्या होता है, और जब इस टाइप के स्टेज मैनेज इलेक्शन होते हैं तो सबको पहले से पता होता है क्या होता है। हटा दिया और खड़गे जी जो एकदम सेमी रिटायरमेंट में चले गए थे, उनका कोई यो एक रकम से कर्नाटक पॉलिटिक्स में भी कुछ खास नहीं थे, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं थे, उनको एक रकम से रिटायरमेंट से ला कर उनको एक पद में डाल दिया गया। सबने, सबको पता था जिस दिन खड़गे जी आए थे उनको, सबको, पूरी दुनिया को पता था कि वही जीतेंगे क्योंकि गांधी फैमिली का पूरा आशीर्वाद उनके साथ था। यही खड़गे जी से जब 2019 के इलेक्शन, जो कि 3 साल पहले की बात ही है, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें एक उमेश यादव जी के नाम का एक बीजेपी का प्रत्याशी था, उनसे वो 1 लाख वोट से आ रहे थे। तो जब रियल इलेक्शन होता है तो सबको पता है कि क्या होता है, और जब इस टाइप के स्टेज मैनेज इलेक्शन होते हैं तो सबको पहले से पता होता है क्या होता है। तो देखिए दो रकम की यहाँ पर चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ये बार बार जो बोलते हैं कि उनका जो लीडर है वो सिलेक्टेड है, तो एक चीज मैं समझना चाहता हूँ। मैंने जैसे अभी जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है नड्डा जी, उनके मैंने पूरे हिस्ट्री देखी, वो एबीपी में थे, फिर एबीपी के सेक्रेटरी बने, फिर जनरल सेक्रेटरी बने, फिर बीजेपी एम के प्रेसिडेंट बने, फिर वो एमएलए बने, एमपी बने, फिर हेल्थ मिनिस्टर बने, फिर नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने, फिर वर्किंग प्रेसिडेंट बने, फिर प्रेसिडेंट बने। 1998 में सोनिया गांधी जी सीधा, अभी जो दलित की जो बात कर रहे थे, सीधा सोनिया गांधी जी ने दलित प्रेसिडेंट जो थी उनके जो गुर्गों ने एक रकम से सीताराम केसरी जी को एकदम मतलब बाथरूम में बंद कर दिया गया था, और वो सीधा पद से वो निकली अपने सेमी रिटायरमेंट से और सीधा का सीधा वो पद में बैठ गई थी। उनका पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस नहीं था, उनका यही था कि 1968 में उन्होंने राजीव गांधी जी के साथ शादी की थी और 1998 में वो कांग्रेस के पद की अध्यक्ष बन गए। उससे पहले वो कुछ, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। और रही हम इस टाइप की कठपुतलियां तो पहले भी देख चुके हैं, हमने देखा था मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कैसे राहुल जी ने एक ऑर्डिनेंस सबके सामने फाड़ा था, शायद आपको भी याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑर्डिनेंस फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दिया गया था। तो ये जो बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है या उनके नेशनल प्रेसिडेंट की कुर्सी इंपॉर्टेंट है, आप सर्वे करा लीजिए, 10 लोग हैं, 10 लोग से पूछवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आलोक शर्मा जी, कैसे यकीन करें जैसा कि ऋषि बागरी जी कह रहे हैं कि ये जो आपके नए प्रेसिडेंट बने हैं ये कठपुतली नहीं होंगे, क्योंकि इतिहास में जो एग्जांपल हैं वो इस बात को बताते हैं कि क्या मायने हैं आपकी पार्टी में तमाम पदों के? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, उनका क्या स्टेचर रहा है, बीजेपी उसके बारे में टिप्पणी ना ही करे तो बेहतर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस जी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मोतीलाल नेहरू जी से लेके WC बनर्जी से लेकर एक से एक विद्वान हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये पार्टी वो नहीं है बंगारू लक्ष्मण वाली, याद है 1 लाख रुपए लेते कौन पकड़ा गया था? आज मैं व्यक्तिगत टिप्पणियाँ नहीं करना चाहता हूँ, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, दायरे में रहें, शब्दों की मर्यादा रखें। बात आती है नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, नड्डा जी किसकी कठपुतली हैं, अमित शाह जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? अरे 2019 के बाद तो बीजेपी में प्राइमरी मेंबरशिप नहीं है भाई, नड्डा जी बेसिक बीजेपी के मेंबर भी नहीं है और वो अध्यक्ष हैं, वो किसकी कठपुतली है? आज इन चीज़ों पर मत जाइए। एक व्यक्ति मजदूर का बेटा था और उसने, मजदूर के बेटे ने ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके कैबिनेट मिनिस्टर तक का सफर तय किया। लोकसभा क्या, राज्यसभा क्या, MLA क्या, स्टेट की पॉलिटिक्स क्या, सेंटर की पॉलिटिक्स क्या, और जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का पूरा रोल निभाया, उसके बाद भी अगर किसी को कठपुतली लगता है कोई व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि उसको अपना इलाज कराना चाहिए।
आने वाला समय बताएगा कौन कठपुतली है और कौन नहीं है। कठपुतली तो बीजेपी हमेशा से आरएसएस की रही है, आरएसएस ने जिसको चाहा है बीजेपी में बैठा दिया है। इनका एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो पद है वो आरएसएस के बाहर आज तक नहीं गया है, क्योंकि उसी के हाथ में सारी पावर होती है। अध्यक्ष हमेशा कठपुतली की तरह होता है। जो ऋषि बागरे जी कह रहे थे, आलोक शर्मा जी जो अध्यादेश फाड़ने वाली बात कर रहे थे ऋषि बागरे जी, फिर उसे क्या कहिएगा, वो किस तरीके का लोकतंत्र? मैं उस पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा। अध्यादेश फाड़ा था तभी लालू प्रसाद जी वापस जेल गए थे। अध्यादेश फाड़ा तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स की नानी याद आ गई थी। तरीके पे आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन जो कदम उठाया था वो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम उठाया था कि इस तरह के क्रिमिनल्स को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और किसी की असहमति हो सकती है, लोकतांत्रिक देश है, मेरी भी असहमति हो सकती है। कोई अगर चीज पास हुई है पार्लियामेंट के अंदर या कैबिनेट में और मैं असहमत हूँ तो मैं असहमति अपनी व्यक्त कर सकता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।